मार दे हो बले वी लुट के मेरी नींद लागे रतन दी दिल मर जाने की होया से जिन्ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेजबान सैयद आफताब रिजवी। सैयद आफताब रिजवी चैनल में आपको खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं, अपना तो पुराना है सिंगर कुर्बान अली पंजाब जैक्सन, इनका तलक सियालकोट से है और बड़े उभरते हुए फनकार हैं। इनका जो फन की दुनिया में इन्होंने कदम रखा और इस वक्त इनकी आवाज़ जो है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया तक भी पहुंच चुकी है, वहां से भी इनके गीत बड़े लाइक किए जा रहे हैं। जैक्सन साहब ये बताइए, आप ज़्यादातर क्या गाते हैं, किस किस्म का गीत गाते हैं, क्लासिकल या पंजाबी जबान आ साड़ी उन्हें प्रमोट करता, तो ज़्यादातर मैं गाँदा पंजाबी फोक गाँदा मैं, तो मेरी कोशिश भी यही है कि पंजाब जैक्सन तो पंजाबी नूं प्रमोट कर। कदों तो गाने गाना शुरू किया? आपां बचपन तो हूँ लेकिन 12-13 साल तो स्ट्रगल मेहनत कोशिश दे जा रही हूँ, तो हूँ आके थोड़ा जि छोटा जि प्लेटफॉर्म रब की जात ने रहमत की है मिले, तो दुआवां है सारिया दियाँ। माशाल्लाह बड़ी मेहनत है आपकी, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। क्या सुनाना चाहेंगे नाजरीन? असी अपना ही एक मज़ेदार सॉन्ग आ जरा रिलीज़ करन जा रहे हैं, ओ दो बोल मैं सुनाना चाहूँगा। जी जी। ओ गोरी मुटियार नी तू लगदी अखां नाल गल करे लगे मन मोणी, गोरी मुटियार नी तू लगदी अखां नाल गल्लां करे लगे मन मोणी, तेरे रूप तो महंगे तेरे नखरे नी, तेरे रूप तो महंगे तेरे नखरे नी, मुंडे तेरे उत्ते मरदे हो बले ओ मुंडे तेरे उत्ते तेरे उत्ते तेरे उत्ते नी, मुंडे तेरे उत्ते मरदे नी वखरे। वाह क्या खूब गाया, कुछ और सुना दे नाज़रीन को बोल। एक बड़ा मजेदार सॉन्ग याद आया, बड़ा मजेदार। ओए ओ वी लुट के मेरी नींद ला गया रतन दी, मैं भी लुट के ओदा चैन वैन सब ले लिया, ओ वी लुट के मेरी नींद ला गया रतन दी, ओ वी लुट के मेरा चैन वैन सब ले गया, ओ भी डरदा डरदा दिल दा हाल सुना गया नी, मैं भी संगदी बुल्ला चूहा गया, ओ मैं भी संगदी बुल्ला चूहा गया। क्या खूब गाए, तो हारमोनियम के साथ कुछ थोड़ा सा गुनगुना दीजिएगा। हाँ थोड़ा जेक दिल मर जाने नु की होया सजना, दिल मर जाने नु की होया सजना, अज जिन्ना कदी भी ना रोया सजना, दिल मर जाने नु की होया सजना, दिल मर जाने नु की होया सजना, अज जिन्ना कदी भी ना रोया सजना, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। पाकिस्तान के साथ साथ आप सारी दुनिया में जो है आपका नाम हो, इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिएगा, आपको फिर नए टैलेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।